हेलो दोस्तों, मैं धीरन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर 2020 के टॉप 20 क्वेश्चन का एक क्विक रिवीजन सेट। दोस्तों, ये इस सीरीज का पार्ट 8 है। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपके लिए सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं, जो कि आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य ने जेल के कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू करने की घोषणा की? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य जेल के कैदियों की बेहतर जीवन शैली को सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्राचीन भोजन पर एक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों नई दिल्ली। याद रखिएगा, नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में हिस्टोरिकल गैस्ट्रोनॉमिक इंडस डाइनिंग एक्सपीरियंस पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। दोस्तों, इस प्रदर्शनी में हड़प्पा संस्कृति की खाद्य आदतों की शुरुआत, भोजन बनाने के तरीके और उनसे संबंधित वास्तु शिल्प का प्रदर्शन किया गया। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ओडिशा। याद रखिएगा, ओडिशा के कटक के, कहाँ? ओडिशा के कटक के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में देश के पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल का शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने गोल्डन इरा ऑफ बॉलीवुड सम्मान से किसे सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों मनोज कुमार। याद रखिएगा, लोकप्रिय अभिनेता मनोज कुमार को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने WBR यानी कि वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स गोल्डन इरा ऑफ बॉलीवुड सम्मान से सम्मानित किया है। दोस्तों, याद रखिएगा, इससे पहले अभिनेता दिलीप कुमार को इस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एजेंस फ्रांस प्रेस के कैट बे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों अहमर खान। याद रखिएगा, अहमर खान दोस्तों ये जम्मू कश्मीर के एक पत्रकार हैं। और इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया? तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर से 370 धारा 370 हटाए जाने के बाद बंद के दौरान कश्मीर में जमीनी स्तर पर कवरेज के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कौन नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। दोस्तों, याद रखिएगा, इस सूची में दूसरे स्थान पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और तीसरे स्थान पर रहा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा देश AIBA विश्व कप के नए फॉर्मेट की मेजबानी करेगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों रूस। और यहां से आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है AIBA का फुल फॉर्म। तो दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। याद रखिएगा, यदि एग्जाम में आपसे इसकी स्थापना पूछी जाए तो इसकी स्थापना की गई 1946 में और इसका मुख्यालय लुशाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों सुनील गुरु बख्शानी। और यहां से अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों धनलक्ष्मी बैंक। तो याद रखिएगा, इसका मुख्यालय त्रिशूर केरल में स्थित है और इसकी स्थापना दोस्तों 1927 में की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस शहर के रेलवे स्टेशन पर स्क्वाट मशीन स्थापित की गई? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिल्ली। दोस्तों, दिल्ली में आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर एक स्क्वाट मशीन तैयार स्थापित की गई है। अब आपके माइंड में जरूर आएगा कि ये स्क्वाट है क्या? तो दोस्तों, हिंदी में अगर हम कहें तो दंड बैठक। तो स्क्वाट का मतलब होता है दंड बैठक। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति 180 सेकंड में 30 स्क्वाट पूरे करता है तो रेलवे उसे मुफ्त प्लेटफॉर्म टिकट देगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में भारत के पहले तैरते घाट यानी कि फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों गोवा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों ये, याद रखिएगा, भारत के पहले तैरते घाट यानी कि फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन गोवा में किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 34वां कान ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों डी गुकेश। याद रखिएगा दोस्तों डी गुकेश ये भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं और इनकी उम्र मात्र 13 वर्ष है। अब यहां से दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है 34वां कान ओपन शतरंज टूर्नामेंट, तो याद रखिएगा इसका आयोजन स्थल रहा दोस्तों फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों डॉक्टर नीति कुमार। दोस्तों यहां से अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है SERB का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। और याद रखिएगा यह पुरस्कार महिला वैज्ञानिकों को किसे महिला वैज्ञानिकों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वतन को जानो कार्यक्रम का शुभारंभ कहां हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों जम्मू कश्मीर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिकी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है नई दिल्ली। और यहां से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायिकी सम्मेलन का थीम, तो याद रखिएगा इसका थीम रहा जेंडर जस्ट वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अशोक चटर्जी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों फुटबॉलर। याद रखिएगा अशोक चटर्जी ये एक फुटबॉलर थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में किसके द्वारा पीएम किसान मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पहली वर्षगांठ के अवसर पर पीएम किसान मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मिस दीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों एडलिन कैस्टिलिनो। याद रखिएगा एडलिन कैस्टिलिनो ने मिस दीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है। दोस्तों याद रखिएगा ये कहां की हैं? तो ये कर्नाटक की हैं और इन्हें यह ताज पिछले वर्ष की विजेता जिनका नाम है वर्तिका सिंह ने पहनाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में ICC ने किस देश के क्रिकेटर यूसुफ अब्दुल रहीम अल वलूसी पर 7 साल का बैन लगाया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ओमान। याद रखिएगा इन्हें भ्रष्टाचार रोधी संहिता के कई नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है और इसलिए इन पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। इन पर यह प्रतिबंध सभी फॉर्मेट्स में यानी कि वनडे, T20 और टेस्ट क्रिकेट सभी फॉर्मेट्स पर लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रिक मचार ने किस देश के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है दक्षिण सूडान। और यहां से अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दक्षिण सूडान की राजधानी, तो याद रखिएगा दक्षिण सूडान की राजधानी है जूबा। क्या है दोस्तों? जूबा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुपर 30। तो दोस्तों मुंबई में दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई जिसमें बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है सुपर 30 ने। दोस्तों यहां से आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, याद रखिएगा ऋतिक रोशन को फिल्म सुपर 30 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी दिया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म कौन सी बनी है? तो वो है दोस्तों सुपर 30। दोस्तों आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको स्टैटिक जीके की जरूरत है तो मैंने एक हजार स्टैटिक जीके का यानी कि 1000 स्टैटिक जीके क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने लगभग 52 टॉपिक कवर किए हैं जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और साथ ही साथ मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। दोस्तों
आप इस वीडियो को लगातार देखें, बार बार देखें, आपका स्टैटिक दिन पर दिन अच्छा होता जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।